के बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रही है, ये एक प्रमुख विषय पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आतंकवाद जब चरम सीमा पे था, जब टेररिस्ट्स मैसेकर कर रहे थे, किलिंग कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक आवाज उठाई थी कि माइग्रेशन को रोकने के लिए और इन आतंकवादियों को परास्त करने के लिए गांव सुरक्षा समितियों को बनाया जाए, विलेज डिफेंस कमिटीज को बनाया जाए, जो इस आतंकवाद की कमर तोड़ सकते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने डोडा बचाओ आंदोलन चलाया और उसके बाद विलेज डिफेंस कमिटीज का गठन हुआ। 90s में पूरे जम्मू प्रोविंस के 10 जिलों में VDCs बनाई गई, जिनको हथियार दिया गया, उन्होंने आतंकवाद से लड़ा। बहुत सारे VDCs मेंबर्स की शहादत हुई, कुर्बानी हुई और आतंकवाद को परास्त किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत समय पहले एक आतंकवादी से जब इंटरव्यू लिया गया था किसी मीडिया पर्सन ने, उस आतंकवादी से पूछा गया था कि तू सबसे ज्यादा किस फोर्स से डरता है, तो उसने उस वक्त कहा था, मैं VDC SPO से सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे। ये वो ताकत है जिसने पाकिस्तान में उपजे इस इरादे को विफल कर दिया, माइग्रेशन को हमारी पेरिफ्री से रोका, लेकिन उस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाई थी। हर VDC कमेटी में 3 SPOs थे, जिन SPOs के नाम पे सैलरी आती थी और वो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। 2 साल पहले वो SPOs कोर्ट में गए और कोर्ट से एक फैसला लाए कि दे आर नॉट बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट दियर सैलरी अमंग अदर मेंबर्स, और इस प्रकार से वो VDC के जो SPOs थे वो रेगुलर SPO बन गए, वो लाइंस DPLs में ड्यूटी देने लगे, पुलिस स्टेशन में ड्यूटी देने लगे, और जो बाकी सदस्य थे वो विदाउट सैलरी हो गए। 2 साल से इनको कोई तनख्वाह नहीं, और काफी विलेज डिफेंस कमेटीज इस वक्त नॉन फंक्शनल हैं, डिसबैंड कर दी गई। काफी लोगों ने इस हताशा में अपना वेपन जमा करा दिया और वहां से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा व्यक्ति गांव में दूर दराज जो अपनी तथा गांव की सुरक्षा कर रहा है, उसे BPL का अधिकार नहीं है, उसे बाकी सुविधाओं का अधिकार नहीं है। इसलिए ये सुविधाएं पाने के लिए उन्होंने वेपन भी जमा किया और खुद रिजाइन कर दिया। तो इस प्रकार से जो ये VDC का कंसेप्ट था, जो भारतीय जनता पार्टी के तब के हमारे शीर्ष नेताओं ने इनका गठन किया था, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल से एक मुहिम चलाई थी। जो VDC के मेंबर्स थे पिछले 16 मार्च से लेकर अभी तक इस जदोजहद में थे, कशमकश में थे। लगातार हमारी बैठकें आदरणीय गृहमंत्री जी से हुई, हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी ने इस पूरे जम्मू प्रोविंस के वल्नरेबल प्लेसेस का दौरा किया और VDCs को भरोसा दिया कि आपका मसला हल करा के रहेंगे। मुझे आदेश दिया गया कि आप गृह मंत्रालय के संपर्क में रहे, बहुत सारी मीटिंग्स वहां पे हुई, इवन यहां के जितने भी आला अधिकारी हैं उन्हें भी वहां पे बुलाया गया, प्रपोजल वहां पे सबमिट हुआ। और कल जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आदरणीय गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में बुलाया और आश्वस्त किया कि ये जो प्रमुख मांगे थी, जिनमें मैं कहना चाहूंगा कि VDC को पुनर्स्थापित करना, पहली मांग
वीडीसीज के जितने भी मेंबर से उनको एट पार एक रैंक में लाना, न कोई एसपीओ रहेगा न मेंबर रहेगा। और वीडीसी का नॉमिनक्लेचर, जब हम इसको पुनर्स्थापित करेंगे इसका नॉमिनक्लेचर चेंज होगा, क्योंकि अगर वीडीसी रहे तो उसमें तीन एसपीओ रहेंगे, इसलिए इसका नॉमिनक्लेचर चेंज करके वीडीजी एक फोर्स खड़ी कर दी, विलेज डिफेंस ग्रुप्स, और इसमें जो भी ऑफिशियल्स होंगे उन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। बराबर की सैलरी सबको रहेगी और सबके अकाउंट में डायरेक्ट सैलरी चली जाएगी। हमारा इसमें एक और उद्देश्य था कि बहुत सारी वीडीसीज अभी तक अनपेड हैं, उनको भी सैलरी दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे ढोक्स पे मैसेकर हुए हैं, ढोक समझते होंगे, जहाँ पे हमारे नोमेड्स गर्मियों में अपने माल मवेशियों को लेके ऊपर धारों पे चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत मैसेकर हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2001 में लगभग 21 नोमेड्स को, ये जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं, इनको मार दिया गया था। 2001 में ही एक बार 8 लोगों को मार दिया गया था। काफी डीडीसी वीडीसीज को अनआर्म्ड किया था आतंकवादियों ने, तो वो बहुत ज्यादा अभी अनपेड हैं। उनका भी इश्यू हमने गृह मंत्रालय में रखा है, वो भी उस पर संज्ञान ले रहे हैं और विचाराधीन अभी विभाग में। इसके अलावा हमने अत्याधुनिक हथियार की भी मांग की, जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया की परिस्थितियां बनी हुई है, अत्याधुनिक हथियार दिया जाए, एक रेगुलर फोर्स के नाते ये काम करे ग्राउंड पे, ताकि पाकिस्तान में पनपे उनके इरादों को हम विफल कर पाए। इस प्रकार की योजना को एक कंक्लूजन पे कल लाया गया, आज पूरी उम्मीद है कि आज दोपहर तक वो ऑर्डर भी निकलेगा। और जो इश्यूज अभी पेंडिंग है, जैसे अनपेड का इशू मैंने बोला, जैसे सैलरी एनहांसमेंट का बढ़ाने का इशू, वो भी आगे चलते रहेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आदरणीय गृहमंत्री जी पे, आदरणीय मोदी जी पे। मैं अंततः सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, आदरणीय अमित शाह जी जो गृहमंत्री हमारे, इनका धन्यवाद करूंगा, हमारे अध्यक्ष प्रांत के श्रीमान रविंदर रैना जी, जिनके अथक प्रयासों से यह सारा संभव हो पाया है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिनके साथ लगातार हमारी मीटिंग्स हुई, यहाँ के पर्टिकुलरली मैं विशेष तौर से दिलबाग सिंह जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जिन्होंने इस विषय को बड़े ज़ोरदार तरीके से रखा, मैं इन सब का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने इस वीडीसीज के इशू को, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की लाइफ इन्वॉल्व थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जानें दी हुई हैं, इस वीडीसीज को जिंदा रखा, इनको पुनर्स्थापित कर इसका वीडीजी ग्रुप नाम दिया, विलेज डिफेंस गार्ड्स रहेंगे और हरेक की सैलरी उनके अकाउंट में आएगी, सैलरी हेड क्रिएट हुआ और इनकी सैलरी एनहांसमेंट के लिए भी विचार आगे से किया जाएगा। जो पेड अनपेड वीडीसीज हैं उनका भी मसला हल करने के लिए संभाग को, विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।